दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि जो स्टेमरिंग होती है, जो हमारा स्टेमरिंग के प्रति माइंड सेट होता है, वो कैसे चेंज किया जाए। लेकिन आगे बढ़ने पहले मैं बताऊंगा कि मेरा नाम बीके सिंह है, और यदि आप मेरे से डायरेक्टली बाय चैट, बाय ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, तो मेरे पीछे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। मेरे व्हाट्सएप में आप डायरेक्टली बाय चैट, बाय ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक सवाल लेते हैं फिर से आज, और ये सवाल है पंकज तिवारी जी, जो आगरा यूपी से हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर, स्टेमरिंग के प्रति जो हमारा माइंड सेट हो गया है कि स्टेमरिंग बहुत बेकार है, मेरी बेइज्जती हो जाती है और मेरी बदनामी होती है, तो सर मैं सब कुछ सीख लिया हूँ, लेकिन जो स्टेमरिंग के प्रति मेरा माइंड सेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या काम किया जाए कि मेरा माइंड सेट स्टेमरिंग के लिए चेंज हो जाए। तो आइए पंकज तिवारी जी के सवालों का जवाब देते हैं कि माइंड सेट जो स्टिमरिंग के प्रति हो गया है, निगेटिव माइंड सेट हो गया है, तो निगेटिव से पॉजिटिव माइंड सेट कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप किसी मेडिकल कॉलेज जाइए, और मेडिकल कॉलेज में जितने भी वार्ड होते हैं, जहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, उसे वार्ड कहते हैं, सारे वार्ड को घूम के आइए, और हो सके टाइम हो आपके पास तो जो वहाँ के पेशेंट हैं, जो वहाँ मरीज भर्ती हैं, थोड़ा थोड़ा उनसे बात करिए, थोड़ा टाइम लेके जाइएगा, और सारे वार्ड, चाहे वो कैंसर के हों, चाहे वो टीबी के हों, चाहे वो ईएनटी वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हड्डियों का हो, है ना, सारे वार्ड को घूम के आइएगा। और फिर वार्ड को घूमने के बाद जब मेडिकल कॉलेज के बाहर आइए, और फिर पूछिए अपने आप से कि मेरी स्टीमरिंग कैसी है, तो आपको बड़ा सुंदर जवाब मिलेगा कि मेरी स्टीमरिंग वेरी लवली है, बहुत अच्छी है। क्योंकि वहाँ आप देख के आएंगे कि किसी कोई पेशेंट चिल्ला रहा है, किसी को 6 माह से खून जा रहा है, किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी के फ्रैक्चर बंधा हुआ है, किसी के आँख में प्रॉब्लम है, किसी कैंसर हो गया है, किसी को खून की कमी है, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया तुम ठीक नहीं होगे, तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको देख करके ये लगेगा कि यार हमारी स्टीमरिंग में ना तो कोई दवाई का रोल है, ना इतना बड़ा दर्द होता है, और ना इतनी इतना बड़ा पैसा खर्च होता है। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनका जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, 10-10 साल से वो भर्ती रहते हैं, कई जगह दिखा करके उनका लास्ट स्टेज में चल रहा होता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, बस 2-4 दिन के मेहमान हो आप, है ना। उनसे उनका जो इमोशन है वो देखिएगा, समझिएगा, फिर कंपेयर करिएगा, तब आपका माइंड सेट जो है ना चेंज होगा, और लगेगा आपको कि नहीं यार मेरी स्टीमरिंग बहुत अच्छी है, और अन्य जो बीमारियां हैं उनके कंपेयर में मैं बहुत हेल्दी हूँ, और थोड़ा हमें बोलने की प्रॉब्लम है तो उसको हम इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, और जो हमारी स्टेमरिंग है उसके ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा 1-5 लाख का खर्च नहीं है, बहुत कम पैसे खर्च है, और हमारी स्टेमरिंग में ना कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, ना कोई बहुत बड़ी दवाई लगती है, ना कोई बहुत बड़े डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और हमारी स्टेमरिंग बहुत छोटी है, और मैं स्टेमरिंग के ऊपर काम पक्का करूँगा। और यदि आपका ऐसा माइंड सेट हो गया मेडिकल कॉलेज देखने के बाद, यदि आपका स्टेमरिंग के प्रति माइंड सेट हो गया कि मेरी स्टेमरिंग बहुत छोटी है, तो फिर आप स्टेमरिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, और फिर आप स्टेमरिंग को बहुत छोटा मान लेंगे, और कहेंगे, मतलब स्टेमरिंग से कहेंगे कि अब मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, मेरी हकलाहट मेरे से छोटी है, मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहे जब कंट्रोल कर लूँ, मैं हमेशा कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैं इसको डराता हूँ। जब यदि आप में ऐसा आपका माइंड सेट हो जाए, तो मान लीजिए कि अब आपके ऊपर सारे टेक्निक काम करेंगी और आपका रियल में इम्प्रूवमेंट होगा। तो पंकज तिवारी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आगरा का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ जरूर जाइए, और सारे वार्ड घूम करके फिर कंपेयर करिएगा अपनी स्टीमरिंग के लिए, और फिर जब आपका मेडिकल कॉलेज घूम के आइएगा तो मुझे कॉल करिएगा, तो मैं आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।